लोगों को सफर होना पड़ रहा है, जिसमें उनको सैलरी जो है वो नहीं दी जा रही है, उस चीज़ को लेके आज हमारे सारे साथी जो यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और उस पर अभी हमारी मीटिंग आगे चलेगी और उसे पूरा डिस्कस करके जो अगला कदम जो हमने जैसे आपके सामने हमने बात रखी। देखिए आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज ऑल जम्मू एंड कश्मीर पीएचई डिलीवरी एसोसिएशन की तरफ से यहाँ पर बुलाई गई महाराजा हरि सिंह पार्क में। आप जानते हैं कि यहाँ पे डीडी सिलेक्शन ख़त्म होते ही है, जो बीजेपी जिन्हें मैनिफेस्टो में रिलीजियस का इशू रखा और काफ़ी टाइम से हम रोडों पे रहे और माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह से हमारी मीटिंग भी दिल्ली के अंदर हुई, तो पूरा भरोसा है हमें माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह के ऊपर जिस तरह से हमें उन्होंने कमिटमेंट की थी। और उसके बाद भी डॉक्टर साहब ने दो तीन बयान इसके ऊपर दिए कि इसके ऊपर जो है एडमिनिस्ट्रेशन में काम चल रहा है। हम डॉक्टर साहब का बहुत थैंक्स करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले कुछ दिनों में जो बजट आने वाला है, नई बड़ी बजट जो प्रिपरेशन हो रही है, उसमें जो है वो हमारा जो मिनिमम वेज एक्ट जो पहला स्टेप्स, कुछ लोग जो है यहाँ पे वो लोगों को थोड़ा गलत भी गाइड कर रहे हैं कि पहले पॉलिसी मिलेगी फिर ये होगा फिर हम ये करेंगे, लेकिन हम लोगों को वही बोलेंगे जो हकीकत है। और सबसे पहले फेस में जो है वो मिनिमम वेज एक्ट लागू होगा और उसके बाद रेवोल्यूशन पॉलिसी के ऊपर जो काम होगा ये हम लोगों को बताना चाहते हैं। और दूसरा हम ये बताना चाहते हैं कि आज मीटिंग करने का यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ये समय है क्योंकि कुछ डिपार्टमेंट लेवल के इश्यूज़ हैं। मत सितंबर से लेके अक्टूबर नवंबर दसवां चरण चौथा महीना आज चल रहा है, आज हमारा अभी तक हमारे साथियों को सैलरी नहीं मिल रही है। और दूसरा जो मुद्दा हमारा है, एक 12 वोचर का इशू क्रिएट हुआ है जम्मू प्रोविंस में और कश्मीर में कुछ लोग हमारे हैं जिसमें लगभग 1500 लोग एक साल से सफ़र कर रहे हैं, उन लोगों को अभी तक जो डिपार्टमेंट सैलरी नहीं दे रहा है और कभी बोल रहे हैं फाइल आपकी फाइनेंस में है, कभी बोल रहे हैं डायरेक्टर के पास है। कल मैं और मेरे साथ वाइस प्रेसिडेंट दीपक गुप्ता जी, हमारी टीम जो थी सेक्रेटरीट में शाम तक रही लेकिन कोई भी आता पता नहीं चला। इसलिए इन कुछ मुद्दों को लेके और बाकी भी और जितने मुद्दे हैं हमने फैसला किया है आज हमारी टीम ने कि 19 जनवरी को सुबह 10 बजे जम्मू प्रेस क्लब में एक बहुत बड़ा जो प्रोटेस्ट होने जा रहा है यहाँ के एडमिशन के खिलाफ, जो यहाँ सेक्रेटरीट में लोग बैठे हुए हैं जो 1.5-2 लाख सैलरी ले रहे हैं और हमारी फाइल बिल्कुल भी मूव नहीं कर रही यहाँ से, उनको लेके जो है इशू पे प्रोटेस्ट हो रहा है। उसके अलावा जो मिनिमम वेज एक्ट को जल्द से जल्द लागू करना और एक रिमाइंडर तौर पर सरकार को एक प्रोटेस्ट जो हम यहाँ पर देने जा रहे हैं। इसलिए आपके जरिए मैं अपने वर्कर्स को अपील करता हूं कि 19 तारीख को बरोज़े मंगलवार को सारे साथी जो हैं वो प्रेस क्लब जम्मू में पहुंचें हज़ारों की तादाद में। अगर उसके बाद भी जो छोटे मोटे मसले हमारे हल नहीं होते हैं, जो फाइनल मिनिस्टर यहां पे हैं अरुण मेहता जी, उनके पास फाइल जो 12 वोचर्स की पड़ी है उसको बिल्कुल भी जो वहाँ से दूसरे टेबल पर नहीं किया जा रहा है तो उनकी कोठी का घेराव करना होगा, वो भी करेंगे। और उसके बाद चीफ जनरल साहब के पास भी जाके हमारी कमेटी मीटिंग करेगी और इस एजिटेशन को अब दोबारा से हम लॉन्च करेंगे। लेकिन फिर एक बार मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने जो कमिटमेंट की है और कुछ साथी उस पर जो तंज कस रहे हैं मैं उस पर भी थोड़ी बात करना चाहूँगा, क्योंकि हमारे साथ जो 20-25 साल पहले सरकारें रही उन्होंने हमारे साथ गलत किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर भारतीय जनता पार्टी यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन अगर इस मसले को हल करना चाहती है तो हम उनके साथ हैं और जब हमारा मसला हल होगा तो खुल के उनके साथ आएंगे। इसलिए मैं यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन और माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह से ये अपील करता हूँ कि जल्द से जल्द जो आने वाला बजट है उसमें इसको बजट सपोर्ट दी जाए ताकि हम भी 20-25 साल से जो है जो सफ़र कर रहे हैं हमें इंसाफ मिले। लेकिन 19 तारीख को सारे साथी जो है प्रेस क्लब जम्मू में पहुंचकर रैली को कामयाब करें और 19 तारीख को ही अगली रणनीति का ऐलान किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।